उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल के इंतजार के बाद 60,244 सिपाहियों की भर्ती निकली। इससे पहले 2018 में यूपी पुलिस में भर्ती हुई थी। इतने सालों से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में खुशी की लहर है, पर सोशल मीडिया पर विवाद भी चल रहा है। अभ्यर्थी योगी सरकार से मांग रहे हैं कि आयु सीमा में छूट दी जाए। इस भर्ती के लिए 18 से 22 साल तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। पिछले 5 सालों से भर्ती की तैयारी कर रहे अनेक अभ्यर्थी इस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसे में वो लगातार सोशल मीडिया पर अपना विरोध जता रहे हैं और इन अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, बीजेपी नेता संगीत सोम, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का भी साथ मिल गया। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की। इस बीच आयु सीमा में छूट का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद हेतु 60,244 पदों पर नियुक्तियों का फैसला स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अपनी सरकार के संज्ञान में एक तथ्य लाना चाहता हूं कि अब से 5 साल पहले 16 नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती की गई थी और अब 5 साल के बाद भर्तियां निकाली गई। इन 5 सालों के अंतराल में सामान्य वर्ग के लाखों युवा जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में संलग्न थे, उनको अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। और इस संबंध में मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से सामान्य वर्ग के हित को देखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाए और इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच रखी जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पदों पर निकली भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की मांग को लेकर सैकड़ों युवा मुजफ्फरनगर आवास पर मिले। उनकी मांगों को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें युवा भी उनके साथ दिखे हैं। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका संज्ञान लेकर प्रदेश के युवाओं को उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मौजूदा भर्ती में आयु सीमा की छूट प्रदान करेंगे। आरएलडी के अध्यक्ष ने पत्र के जरिए बताया कि यूपी पुलिस भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल है। जयंत चौधरी ने पत्र में लिखा कि यूपी में पिछली पुलिस भर्ती 16 नवंबर 2018 को हुई। इस तरह इन 5 सालों के दौरान पुलिस में कोई भर्ती न होने के चलते प्रदेश के लाखों युवा इस आयु सीमा से बाहर जा चुके हैं। इस तथ्य को देखते हुए इस अंतराल में भर्ती से वंचित प्रदेश के लाखों युवाओं की मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग एकदम औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा, बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबाव से आखिरकार यूपी में कई सालों बाद पुलिस भर्ती निकली। इस बीच का युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र पार कर गए, इसलिए भाजपा सरकार इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 साल की छूट दे। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें अनारक्षित के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 पद आरक्षित है। नोटिफिकेशन में महिलाओं के लिए आरक्षण भी निर्धारित कर दिया गया है। संपूर्ण पदों में से 20% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होगी जो कि 16 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। वहीं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है और इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु के तौर पर उम्मीदवार ने 22 साल की आयु प्राप्त न की हो, यानी अभ्यर्थियों का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले या 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में छूट प्रदान की जाएगी। बस इसी उम्र सीमा को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।